हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। यदि आपको किसी भी टेंस का सेंटेंस बनाना है, उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, ओके, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे वो हम देखेंगे। सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है या ते हैं आता है, ओके। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लेंगे, मम्मी किचन में खाना पकाती है। पकाती है लास्ट में क्या है? ती है, ओके। जो भी काम डेली रूटीन में होते हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं ना, वो सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे, ओके। आपको डेली रूटीन बनाना है, कोई भी आपको एक्चुअली बतानी है जो आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, आप डेली करते हैं, आप कभी कभी करते हैं, लेकिन आपकी वो हैबिट है, तो वो सारे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएंगे, ओके। स्ट्रक्चर देखेंगे आप अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव मीन्स जिसमें कोई नॉट नहीं हो, कोई क्वेश्चन नहीं हो। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, मम्मी किचन में खाना पकाती है। इस हिंदी सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट मदर, ओके। मम्मी खाना पकाती है, पकाना हुआ वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा कुक्स, ओके। क्योंकि मम्मी एक है तो वर्ब में क्या लगाना था? एस या ई एस, ओके। मदर कुक्स, क्या पकाती है वो आपका ऑब्जेक्ट हुआ। फूड वो आपका ऑब्जेक्ट है। कहाँ पकाती है? किचन में, वो आपका अदर वर्ड्स है, ओके। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव सेंटेंस। यदि आपको किसी नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो आपके डू और डज है। नेक्स्ट आपका नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट साथ में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ओके। नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी जो आपकी डू या डज है, ओके। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आएगा, नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा, प्लस अदर वर्ड्स होगे। अदर वर्ड्स में कोई प्लेस हो सकता है, टाइम हो सकता है, कोई भी आपका अदर वर्ड लास्ट में आता है। नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। आप कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, नेक्स्ट आपका नॉट होगा, नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स। एग्जांपल के थ्रू आपको बताएंगे ताकि कुछ डाउट आपके अंदर ना रहे, ओके। तो आप देखेंगे एग्जांपल, अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखेंगे आप। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ या खेलती हूँ। तो आई आपका आ गया, यदि आई है, वी है, यू है या दे है या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब में आप एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ओके। ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नॉट एस और ई एस नहीं लगाएंगे, क्लियर। जस्ट आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका जो भी अदर वर्ड होंगे ना, वो आपके आएंगे, ओके। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ओके। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव सेंटेंस है, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, लास्ट में ता हूँ है, ता है, ती है, तू है, तो ये आपका है आइडेंटिफाई। आप कैसे करेंगे हिंदी सेंटेंस को, ओके। आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा आप देखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, नेक्स्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब, ओके। नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, तो आई के साथ डू आएगा। आई, वी, यू, दे या बहुत सारे नाम हैं, तो आपका हेल्पिंग वर्ब होगी डू, ओके। और ही, शी, इट है, तो हेल्पिंग वर्ब होगी डज, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। तो आई के साथ आ गया डू। नेक्स्ट आपका नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर, इन नेगेटिव सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ? क्या
तो ये मेरा क्वेश्चन है. ओके, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी सबसे आगे आ जाएगी, डू या डज जो भी होगा ना वो आपकी आगे आएगी. अब आई के अकॉर्डिंग डू आएगा तो हमने डू लगा दिया. यदि यहाँ पर ही होता ना तो मैं यहाँ डज लगाती. ये आप बहुत ध्यान से देखेंगे वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक. ओके, नेक्स्ट आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट होगा. ओके, नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. सबसे पहले देखो इंटरोगेटिव आ गया, इसका मतलब हमको हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी है. ओके, हमने हिंदी में जब सेंटेंस बोला तो क्या आपका सबसे पहले आया, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या मेरा आगे आया. लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें हम क्या, क्यों, कहाँ बीच में आते हैं. ओके, वो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से ही बनते हैं और पहले वो क्वेश्चन वर्ड आएंगे, जैसे व्हाट, वेयर जो भी होगा ना क्वेश्चन वर्ड्स, वो आपके आगे आएंगे, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी. सेम स्ट्रक्चर आपका ऐसा ही होगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यदि आपके सेंटेंस बीच में क्या, क्यों, कहाँ आए बीच में, ओके, हिंदी में बोलने पर, और इंग्लिश में बोलेंगे तो व्हाट, वेयर आपके स्टार्टिंग में आएंगे, तो उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद आपकी सब्जेक्ट होगा, फिर आपका नॉट अगर नेगेटिव वाला सेंटेंस है तो. ओके, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा. ओके, कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं. नेक्स्ट है आपका सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है कोई भी इवेंट या कोई भी एक्शन जो आपके पास्ट में हुए हैं और पास्ट में ही खत्म हुए हैं. स्टार्ट भी पास्ट में हुए और फिनिश भी पास्ट में हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉश्ड हिज कार यस्टरडे. उसने अपनी कार यस्टरडे वॉश की. ओके, काम भी स्टार्ट किया यस्टरडे और काम फिनिश हुआ यस्टरडे. तो यस्टरडे हमारा है स्पेसिफिक टाइम. ओके, यस्टरडे क्या है, स्पेसिफिक टाइम. नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, वी वेंट फॉर अ वॉक. हम वॉक के लिए गए. कब? एट 10 PM लास्ट नाइट. तो लास्ट नाइट मेरा है स्पेसिफिक टाइम. ओके, तो वो कल की बात कर रहे हैं, लास्ट नाइट की बात कर रहे हैं. तो हम यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे. ओके, ये आप ध्यान रखेंगे. जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, इसे हम प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी. ओके, और यहाँ हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो कंपैरिजन भी करते चलेंगे हम. ओके, वहाँ हमने आइडेंटिफाई किया कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, और यहाँ सिंपल पास्ट टेंस में लास्ट में या, ये, यी. ओके, कि कोई भी आ का साउंड आ सकता है जो कि पास्ट में हुआ है. बहुत ध्यान से देखेंगे एक एक चीज़. ओके, नेक्स्ट है आपका, यदि आपको शो करना है किसी पास्ट हैबिट को या कोई इवेंट को डिस्क्राइब करना है तो आप यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का. ओके, फॉर एग्जांपल, जॉन प्लेड फुटबॉल व्हेन ही वाज यंग. जब जॉन छोटा था, यंग था, वो फुटबॉल खेलता था. इसका मतलब वो हो सकता है आज खेलता है या नहीं, कुछ भी कह नहीं सकते, तो ये पास्ट की इवेंट है. ओके, आपने यूज़ किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस. क्लियर. नेक्स्ट है आपका, शी लिव्ड इन न्यूयॉर्क फॉर 7 years. वो 7 year कहाँ रही, न्यूयॉर्क में. तो ये उसका पास्ट इवेंट है. ओके, तो आप यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, लिव्ड, सेकंड फॉर्म. ये भी आप नोटिस करेंगे कि कुछ वर्ब में आप देखते हैं सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं ना, तो किसी में तो डी आता है, किसी में ई डी आता है ना. तो ऐसी वर्ब जिनके लास्ट में डी आए या ई डी आए, जैसे वॉकड, वॉक का सेकंड क्या फॉर्म होगा, वॉकड होता है ना, तो लास्ट में क्या आया, ई डी आया. तो ऐसी वर्ब आपकी होती है रेगुलर वर्ब. कौन सी, रेगुलर वर्ब. और ऐसी वर्ब जिनको यदि हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करें, सेकंड फॉर्म में लिखें, लेकिन ई डी और डी नहीं आके उसका पूरा फॉर्म ही चेंज हो जाए, जैसे गो का वेंट. ओके, तो चेंज हो गया ना. तो ऐसी वर्ब हमारी होती है इररेगुलर वर्ब.
आप देखेंगे सम वर्ब्स चेंज कम्प्लीटली व्हेन दे आर यूज्ड इन पास्ट टेंस। यदि वो वर्ब पास्ट टेंस में यूज होती हैं तो उनका पूरा रूप ही चेंज हो जाता है। ओके, वो होती हैं इररेगुलर वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे आप इवेंट। यदि आपको इवेंट को शो करना है, एक्शन को शो करना है या सिचुएशन को शो करना है, दैट हैपन्ड अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, जो बहुत समय पहले हुई है, उसको बताने के लिए भी आपको यूज़ करना है पास्ट इनडेफिनेट टेंस। ओके, इसका मतलब पास्ट इनडेफिनेट आ गया, इसका मतलब है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1947। इंडिया ने 1947 में क्या हासिल की? आज़ादी हासिल की। तो ये इवेंट हमारा 1947 का है, तो हमने क्या सेंटेंस, कौन सा टेंस यूज़ किया? पास्ट इनडेफिनेट टेंस का। ओके, नेक्स्ट है आपका वास्को डी गामा अराइव्ड इन कैलिकट इन 1498। जो वास्को डी गामा थे वो कैलिकट में कब पहुँचे? 1498 को। बहुत समय पहले की इवेंट है ना, तो हमने इसको बताने के किसका यूज़ किया? पास्ट इनडेफिनेट का। इट्स मीन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो आपको एक एक चीज़ ध्यान से देखनी है। ओके, कोई भी डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक्शंस दैट आर कंप्लीटेड रिसेंटली, जो एक्शन ऐसे हैं जो आपके कंप्ली अभी जस्ट रिसेंट में ही कंप्लीट हुए हैं, जैसे जय जस्ट कॉल, जय को बुलाया गया। हो सकता है मैंने बुलाया और मैं जस्ट कुछ काम में लग गई, ठीक है, मेरा जो एक्शन था वो मेरा अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो आप यूज़ करेंगे पास्ट इनडेफिनेट का। ओके, आई एम टिम लेफ्ट अ मोमेंट एगो। टिम कुछ क्षण पहले ही चला गया, हो सकता है वो अभी यहीं था, लेकिन जैसे ही मैं कुछ कर रही थी और मुझे देखा मैं ना टिम है क्या, नहीं टिम तो चला गया। तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट शो करना है, कोई भी रिसेंटली कोई शो करना है एक्शन, तो हम यूज़ करेंगे पास्ट इनडेफिनेट टेंस का। ओके, कुछ फिलअप हैं आपके, वो देखेंगे आप। फिल आपको करना है पास्ट सिंपल टेंस की फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। ओके, पीछे लिखा है आपका, जैसे वॉश है तो वॉश्ड लिख देंगे। अगर सामने लिखा है कि आपको पास्ट टेंस में चेंज करना है, तो क्लियर कर लो माइंड में कि हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही आएगी। ओके, यदि यहाँ लिखा रहता कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आप यूज़ करते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करते। बट यहाँ पर हमें सिंपल पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ करना है, इट्स मीन कोई भी सब्जेक्ट आए हमें तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगानी है। ओके, किस में? सिंपल पास्ट टेंस में। तो दोनों टेंस में आपको कंपैरिजन करते हुए चलना है। ओके, तो गो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा गवेंट, वॉज का वॉज्ड, सिंग का सेइंग, फीड का बस एक ई हटा देंगे और फेड हो जाएगा। ओके, स्टडी का स्टडीड, वेट का वेटेड, स्पीक का स्पोक। ओके, आप ऐसे ही कर लेंगे, सेकेंड फॉर्म में चेंज करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका पास्ट इनडेफिनेट में कैसे हम आइडेंटिटी कर पाएंगे, उनको देखना है। सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में या है, ये है, ये आता है, कोई भी आ साउंड आ सकता है, बट कंडीशन है कि वो पास्ट टाइम में ही काम फिनिश हुआ हो। ओके, तो आप यूज़ करेंगे पास्ट इनडेफिनेट टेंस का, जिसे हम पास्ट सिंपल भी बोल सकते हैं। ओके, और इसकी जो एडवर्ब हैं वो होंगे लास्ट नाइट, जो पास्ट को शो करे, लास्ट नाइट हो गया, यस्टरडे हो गया, लास्ट वीक हो गया, लास्ट मंथ हो गया। ओके, प्रीवियस डे हो गया, प्रीवियस टाइम हो गया। तो जो भी एडवर्ब हैं जो पास्ट को शो करते हैं और हम उसका मीन निकालेंगे, उसके बाद हम यूज़ करेंगे पास्ट इनडेफिनेट टेंस का, इट्स मीन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ओके, देखते हैं कुछ एग्जांपल। अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखेंगे, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। यस्टरडे है, इसका मतलब पास्ट को शो कर रहा है, पास्ट टाइम को शो कर रहा है। मैं खेला, क्या खेला? फुटबॉल। तो प्ले का सेकेंड फॉर्म मैंने लगाया प्लेड। ओके, तो अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये आप ध्यान देंगे। अफर्मेटिव में
किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। तो अब कंपेयर करेंगे कि हमारी पास्ट इंडेफिनिट है और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस यदि आपके आते हैं तो हमें वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना। ओके, तो कहाँ पे करेंगे हेल्पिंग वर्ब वो भी देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है, हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हमारी डिड। चाहे कोई भी सब्जेक्ट आए, ओके, चाहे वो सिंगुलर आए या प्लूरल आए, सबके साथ हम यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है डिड का यूज़ करेंगे। ओके, एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे ना तो आपको सारा वीडियो समझ में आएगा। कोई भी आपको कोई भी पेज स्किप नहीं करना। ओके, नेक्स्ट है आपका नेगेटिव सेंटेंस, आई डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब लगाया आपने डिड, लास्ट में साथ में नॉट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो मैंने आपको बोला है कि हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ प्ले क्यों है, प्लेट क्यों नहीं है, हल्का डाउट आएगा ना माइंड में। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर जो डिड है ना वो यहाँ पर डू का सेकेंड फॉर्म है। ओके, डू मीन्स होता है करना, और यहाँ पर जो डू का जो सेकेंड फॉर्म है डिड, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। ओके, तो टू का सेकेंड फॉर्म है डिड, तो डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, सेकेंड फॉर्म भी आ गया, तो हम डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है। ओके, प्लीज़ एक ही चीज़ ध्यान से देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो हेल्पिंग वर्ब थी हमारी डिड थी ना, तो डिड को हमने आगे ले आया, आगे ले आए, डिड आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेला, तो आ का साउंड। ओके, तो ऐसा नहीं कि या ये ही आए, कोई भी ऐसा पास्ट इवेंट को शो करने वाला टाइमिंग जो लास्ट में आ का साउंड हो उसमें। नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरोगेटिव आ गया, देखते ही पहचान लेंगे कि हमको फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना है, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो डिड हमने आगे लगा दिया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, नेक्स्ट हमारा नॉट होगा क्योंकि नेगेटिव भी है, नेक्स्ट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा क्योंकि डिड आया है ना, तो डिड के साथ जब भी डिड आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, कोई भी डाउट लगे तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है? फ्यूचर देखते ही लगा टाइम कि ये कोई भी समय जो आने वाला है, कोई भी एक्शन जो मैं करने वाली हूँ, ठीक है, मैं खाना खाऊंगी, मैं पानी पीऊंगी, हम खेलेंगे, मैं गाना गाऊंगा, तो लास्ट में गा आ गया। दैट्स मीन ये फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है। ओके, हम इसे बोल सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हमने तीन टेंस पढ़े हैं अभी, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू और डज। ओके, कंपैरिजन करते चलेंगे ना तो मज़ा भी आएगा और हमें सीखने को मिलेगा। जो हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था उसकी हेल्पिंग वर्ब थी डिड, तो दो हेल्पिंग वर्ब तो डू और डज हो गई, एक डिड हो गई, अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ गई, शैल और विल। ओके, तीन टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमको माइंड में सेट करनी है कि किस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब है, किसकी क्या है, तो हम कोई भी कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल। अब ये दो हेल्पिंग वर्ब है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किसके साथ, किस सब्जेक्ट के साथ हम शैल लगाएं और किसके साथ हम विल लगाएं। ओके, तो देखेंगे हम, यदि आपका फर्स्ट पर्सन है, आई वी क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन है, तो आप लगाएंगे शैल। ओके, यदि आपका सेकंड पर्सन यू या थर्ड पर्सन कोई भी आपके आ जाते हैं तो आप यूज़ करेंगे विल का। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, कब, इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में।